News 18, India. और इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें सीएम आवास के बाहर क्राइम ब्रांच अधिकारी और आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह के बीच नोकझोंक होती दिखाई दी। आप दीजिए ना, आप किस कानून, आप कानून की धारा बता दीजिए। आप कानून की धारा नहीं बता रहे कि आप क्यों चाहते हैं कि सीएम को आपको केवल हाथ पे देना है, सीएम के स्टाफ को नहीं देना है। ईडी के समन्स में ये कोई कानून नहीं है, सीबीआई में नहीं है, क्राइम में भी ऐसा कोई कानून नहीं है। मतलब आपको यहाँ पे केवल नौटंकी करनी है। सर मैं मीडिया के सामने बात कर रहा हूँ, मुझे कानून की धारा बता दीजिए। सर आप कानून के तहत नहीं समझाना नहीं है, कानून की धारा बता दीजिए जहाँ पे लिखा है कि मुझे पर्सनली सीएम के हाथ में ये थमाना है। और ईडी की तरफ से बार बार भेजे जा रहे समन्स की अनदेखी करना दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल ईडी ने दिल्ली के राउस रेवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन्स जारी किए, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने कोर्ट को बताया कि केजरीवाल समन्स देने के बाद भी पेश नहीं हो रहे हैं, वो एक पब्लिक सर्वेंट है लेकिन फिर भी समन्स को अनदेखा कर रहे हैं। दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद केजरीवाल जी एक कट्टर ईमानदार नेता हैं। सबको पता है कि 2 साल हो गए इन्वेस्टिगेशन को और हमारे किसी भी नेता से एक चवन्नी की रिकवरी तक नहीं हुई। ये शराब घोटाले जैसा कुछ है ही नहीं। खैर अब ये मामला कोर्ट के संज्ञान में है, मामला सब जुडिस हो गया है तो इस पर ज्यादा बात करना उचित नहीं होगा। हम कोर्ट में इसका जवाब देंगे और कोर्ट जैसा भी कहेगी हम उस निर्देश का पालन करेंगे क्योंकि हम कानून को मानने वाले लोग हैं। तो उधर अपने आवास पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचने को लेकर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने इसे लेकर ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मुझे क्राइम ब्रांच के पुलिस ऑफिसर से सहानुभूति है, इनका क्या कसूर है, इनका काम है दिल्ली में क्राइम रोकना, पर इनसे क्राइम रोकने की बजाय इस किस्म की नौटंकी करवाई जा रही है, इसलिए दिल्ली में इतना क्राइम बढ़ रहा है। इनके पॉलिटिकल आका मुझसे पूछ रहे हैं कि आपके किस किस एमएलए को तोड़ने की कोशिश की गई, पर मुझसे ज्यादा तो आपको पता है, आपको तो सब कुछ पता है, केवल दिल्ली क्यों पूरे देश भर में पिछले कुछ सालों में दूसरी पार्टियों के कौन कौन से एमएलए तोड़कर सरकारें गिराई गई, आपको तो सब पता है, फिर आखिरकार ये ड्रामा क्यों। और शराब नीति केस में अब तक किस किस पर शिकंजा कसा गया है आपको ये बताते हैं। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए समझिए कि कौन कौन इसमें शामिल है। दिल्ली में नई शराब नीति लागू हुई 17 नवंबर 2021 को और उसके बाद 8 जुलाई 2022 दिल्ली के मुख्य सचिव ने नई शराब नीति के मामले में घोटाला किया। शराब घोटाला केस में मामला 17 अगस्त 2022 को दर्ज किया गया और सिसोदिया के घर दफ्तर समेत 31 ठिकानों पर छापेमारी 19 अगस्त 2022 को हुई। वहीं 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया। 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 16 अप्रैल 2023 को सीबीआई ने सीएम केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ शुरू कर दी। 4 अक्टूबर 2023 को ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी एक के बाद एक 5 समन जारी कर चुकी है, लेकिन केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं। दिल्ली के सीएम ने इन सभी समन को गैर कानूनी बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। अब आईपीसी की धारा 174 के तहत शिकायत दर्ज कराई गई है। ईडी की तरफ से दर्ज कराई गई शिकायत में कहा यह गया है कि धारा 50 के तहत पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के सामने मौजूदगी जरूरी है।